हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल 24 कैरेट किचन। आज मैं आपको बनाना बताऊंगी लज़ानिया इन अ पैन, वो भी सिर्फ जो हमारे घर पे चीज़ें अवेलेबल होती हैं इजीली, उन चीज़ों से। लज़ानिया बनाना बहुत आसान है और आप इस वीडियो के साथ इसे आसानी से घर पे बना सकती हैं। और इसमें मैंने व्हीट फ्लावर का यूज़ किया है, मैदा हमने यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं यूज़ किया है। और इसे हम बनाएंगे एक पैन में, तो आइए देखते हैं हमें सबसे पहले इसके लिए क्या करना है। सबसे पहले हम लज़ानिया शीट्स बनाएंगे। उसके लिए हमने लिया है यहाँ पे रोटी का आटा, जिससे हम नॉर्मली घर पे गेहूं की रोटी बनाते हैं। इसे मैं एकदम पतला बेल लूँगी और हमें ये रोटी उसी साइज़ की करनी है जिस साइज़ का हमारा पैन है। देखिए, यहाँ पे हमारी रोटी तैयार है। हमें ऐसी 3 रोटियाँ बेलनी हैं। अब हम इन्हें तवे पे हल्का हल्का दोनों साइड से सेक लेंगे। इसके बाद हम रोटी को रैक पे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। नेक्स्ट, अब हम लज़ानिया के लिए सॉटे वेजिटेबल्स तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने सबसे पहले एक पैन में लिया है 2 टेबलस्पून ऑयल। उसमें मैं यहाँ डालूंगी फाइनली चॉप्ड 1 टीस्पून ऑफ गार्लिक। उसके बाद हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स 1 पिंच, और फिर हमें इसमें ऐड करना है ओरिगैनो 1/4 टीस्पून। उसके बाद हमें इसमें ऐड करना है एक मीडियम साइज्ड फाइनली चॉप्ड अनियन, और इसे हम सॉटे कर लेंगे अच्छे से। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बोल ऑफ फाइनली चॉप्ड वेजिटेबल्स, जिसमें हमने यहाँ पे लिया है पटेटो, बीन्स, कैरेट और कैप्सिकम। आप अपनी मनपसंद कोई भी वेजिटेबल्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं। हमें यहाँ सारी वेजिटेबल्स को हाई फ्लेम पे ही कुक करना है। हमें लज़ानिया के लिए क्रंची वेजिटेबल्स ही चाहिए, तो यहाँ पे हमारी जो वेजिटेबल्स हैं वो तैयार हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर अकॉर्डिंग टू टेस्ट और सॉल्ट। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारी सौते वेजिटेबल्स तैयार हैं। इन्हें एक सेपरेट बोल में निकाल लें। अब हम रेड सॉस तैयार करेंगे लज़ानिया के लिए, जिसके लिए हमने यहाँ पे पैन में लिया है 1 टेबलस्पून ऑयल, और उसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून फाइनली चॉप्ड गार्लिक। फिर हम उसमें ऐड करेंगे 1 अनियन फाइनली चॉप। अब हम इसमें डालेंगे ओरिगैनो और प्याज को हम लाइट ब्राउन होने तक भून लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 टमाटर की प्यूरी। प्यूरी के लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले टमाटर को ब्लांच करा था, उसके बाद हमने इसको पीस लिया है, फिर हमने छान के यहाँ पे इसकी प्यूरी यूज़ करी है। अब मैं इसमें यहाँ पे ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें यहाँ पे ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून शुगर। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चुटकी भर काली मिर्च पाउडर और 1/4 कप ऑफ टमेटो सॉस, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसे तब तक कुक करना है जब तक ये गाढ़ी ना हो जाए। अब हमारी सॉस तैयार है। आप देख सकते हैं ये गाढ़ी हो चुकी है, और इसे भी हम एक सेपरेट बाउल में निकाल लेंगे। अब हम व्हाइट सॉस तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पे एक पैन में लिया है सबसे पहले 2 टेबलस्पून बटर, और हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून मैदा, और हम यहाँ पे मैदे को कंटिन्यूअसली हिलाते हुए भून लेंगे।
हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमारे मैदे का कलर भी ना चेंज हो और हम अच्छे से मैदे को भून भी लें। आप देख सकते हैं हमारा मैदा अब अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप दूध। दूध डालते वक्त हम गैस की फ्लेम कम कर देंगे और इसे कंटिन्यूसली हमें हिलाना है ताकि कोई भी यहाँ पे लम्स ना बने। जब मैदा और दूध अच्छे से मिक्स हो जाए तब हम वापस गैस की फ्लेम तेज कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी काली मिर्च और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मुझे यहाँ पे सॉस थोड़ी ज़्यादा थिक लग रही है इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा और दूध ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून सॉल्ट और यहाँ पे हम ऐड करेंगे पिंच ऑफ ओरिगेनो और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारी व्हाइट सॉस तैयार है। अब हमारे लज़ानिया के सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार हैं। अब हम लज़ानिया को पैन में सेट करेंगे। रेड सॉस, व्हाइट सॉस, 1 क्यूब ऑफ ग्रेटेड प्रोसेस्ड चीज़, 4 लज़ानिया शीट्स, 1/4 कप ऑफ ग्रेटेड मोज़रेला चीज़ और हमारे सौते वेजिटेबल्स। अब हम एक पैन में सबसे नीचे रेड सॉस डालेंगे और उसे अच्छे से चारों तरफ स्प्रेड कर लेंगे। इसके बाद हम इस पे रखेंगे 1 लज़ानिया शीट। लज़ानिया शीट्स के ऊपर हम डालेंगे रेड सॉस और व्हाइट सॉस और इसे चारों तरफ स्प्रेड कर लेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे सौते वेजिटेबल्स। फिर हम इसमें डालेंगे प्रोसेस चीज और फिर हम इसके ऊपर डाल देंगे व्हाइट सॉस। फिर इसे हम कवर कर लेंगे दूसरी लज़ानिया शीट से। अब हम इस शीट के ऊपर भी सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। रेड सॉस डालेंगे, उसके बाद हम डालेंगे सौते वेजिटेबल्स। Then comes the cheese and our white sauce. इसके बाद हम ऐसे ही एक और लेयर तैयार कर लेंगे। अब हम लज़ानिया की लास्ट शीट पे डालेंगे रेड सॉस और वाइट सॉस और इसे अच्छे से चारों तरफ स्प्रेड कर लेंगे। और हम इसके ऊपर डालेंगे सौते वेजिटेबल्स। और फिर हम इसके ऊपर डालेंगे हमारा मोज़रेला चीज। चीज से हम हमारा लज़ानिया का पूरा टॉप कवर कर लेंगे। अब हम इसे गैस स्टोव पे रख देंगे लो फ्लेम पे और इसे ढक्कन देके हम 15 से 20 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम एक बार हमारा लज़ानिया चेक कर लेंगे। देखिए हमारा लज़ानिया कुक हो रहा है पर अभी ये कुक होना बाकी है तो हम इसे वापस ढक्कन लगा के 5 मिनट और रहने देंगे। देखिए अब हमारा लज़ानिया खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसे गैस स्टोव से नीचे उतारें और इसे इस तरह काट के सर्व करें। तो फ्रेंड्स हमारा बहुत ही यमी और टेस्टी लज़ानिया तैयार है। आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं आपको ये कैसा लगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।